जी नो एक्चुअली ये मेरा नया लुक है, हवा हवाई लुक। और ये लुक जो है वो मैंने डिजाइन किया है डेफिनेटली। हाँ एक्चुअली मैं एकदम अपने आप को रसीली देखना चाहती हूँ, ज्यूसी फ्रूटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आईटा अवार्ड में मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आज 18th आईटा अवार्ड है और सब सेलिब्रिटीज़ एंड सब लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है परफॉर्मेंस देखकर, अवार्ड देखकर। राखी जी ने जो ड्रेस पहना हुआ है तो मैं एक्साइटेड कम और सेक्साइटेड ज़्यादा फील कर रहा हूँ, क्योंकि राखी बहुत ही हॉट है और मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है। उसमें बनाना मिसिंग है बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो बनाना मैं ऐड कर दूंगा डार्लिंग। बनाना राखी को उल्लू बनाना ज्यादा पसंद है। जी मुझे बनाना नहीं, मुझे उल्लू बनाना ज्यादा पसंद है। मैं एक अंगूर हूँ और मेरे साथ ये लंगूर है। जी और अंगूर आप देख ही सकते हैं, लेकिन ये लंगूर उसको गुड़ खिलाने वाला है, क्योंकि मैं ही वो लंगूर हूँ जो राखी सावन को गुड़ खिला सकता हूँ। 31st नाइट को भी सब लोग डेफिनेटली, और हमारी शादी होने जा रही है मलिबू बीच पे, तो आप अगर डैशिंग हो तो जरूर वो शादी। बीच मलाड में नहीं है, हाँ LA में है। या लॉस एंजलिस में ये शादी होगी, तो आप सब बाराती बनकर आना और लाइव सुहागरात होने वाली है। और आप देख ही रहे हैं, धीरे बोलो, धीरे बोलो, सुहागरात की बातें इतनी जोर जोर से मत बोलो, कोई तुम्हें इधर ही पकड़ के मारेगा। ये मेरा हॉलीवुड का लुक है, आई लुक लाइक अ हॉलीवुड क्वीन। जी वो तो आप इनके इनको ही पूछिए। मुझे ऐसे लगता है कि आप मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि क्या दिखाने वाले हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके बारे में बोलना कम और करना ज्यादा है। धीरे बोलो, क्योंकि मैं ऐसे बंदा हूँ जो करने के ऊपर विश्वास रखता हूँ। मैं अपना मुंह छुपाती हूँ और फ्रूटों से जो भी करूँगा वो जोर शोर से करूँगा। शट अप, मैं अपना मुंह छुपा रही हूँ जी, ये ऐसे ऐसी बातें ये सब कर रहा है और मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक्चुअली राखी जी है वो जो एक पवित्र मंदिर है, लेकिन मैं वो पुजारी हूँ जो उनके मंदिर की घंटी बजाने वाला हूँ। डेफिनेटली, क्योंकि लंगूर जो है वो जानता है कि अंगूर को कैसे चखना है, और अगर अंगूर को कोई चखेगा नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं वो जूसी अंगूर चखना चाहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल। चलो चलो, लव यू ऑल। दीपक फ्रॉम कश्मीर। कौन सा? देखिए हनीमून क्या होता है मुझे नहीं पता, डेटिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं हनीमून, बॉयफ्रेंड्स, पति, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। यह आदमी क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम है। डेफिनेटली, बट ये है कौन? वो बहुत बट ये है कौन? मैंने नहीं जानती ये है कौन। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हम अभी 6 फेरे लेने वाले हैं वैसे, लेकिन मुझे ज्यादा चलना पसंद नहीं है, पता है मुझे। लेकिन इनकी सुई है ना 6 तक ही अटक जाती है। थैंक यू वेरी मच दीपक फ्रॉम कश्मीर। मॉ मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। चलो यार, इतनी आवाज में क्या सुनेंगे, क्या सब होगा सर इसमें, सुना नहीं देता कहाँ से, तुम्हें रिपीट करना क्या। अच्छा कोई नहीं, हाय भाई, बहुत एक्साइटेड हैं हम तो। आप हैं एक्साइटेड? जी आईटा अवार्ड के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ अभी आप देखेंगे, और उसकी वजह से थोड़े से हम लोग थोड़े टेंस भी हैं थोड़े से, बिकॉज क्या है कि ऐसा ना हो कि पत्ते खुल जाएं वहाँ पे हमारे। बोले ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है टीवी में,
यहाँ पत्ते घुल गया इसके स्टेज पे, और क्योंकि लाइव भी है इसलिए ज़्यादा, क्योंकि स्टेज हम दोनों स्टेज से हैं, तो ये हमारा यूएसपी, हमारा स्टेज इज लाइक आवर फर्स्ट लव, तो हम चाहते हैं कि हम बेटर करें स्टेज पे। देखिए जब पहला आइटा हुआ था तब भी मैं मौजूद था अश्विनी धीर साहब के साथ, और आज इनके साथ 18वें में भी मौजूद हूँ। तो ये जो है पूरा इसकी मैंने ग्रोथ देखी है शुरू से लेकर अंत तक, और मैं ये मानता हूँ कि ये टीवी का सबसे बड़ा और प्रेस्टीजियस अवार्ड है जी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि शुरू में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारा शो जो है वो बहुत दिन चलेगा। मुझे तो ये था कि 6 महीने का गेम है, लेकिन ये जो है आज 4वां साल चलना खत्म होने वाला है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये थोड़ा सा वल्गर है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं यार, इसकी जो नॉटीनेस है, जो नॉटी एलिमेंट है, यही इसकी यूएसपी है। रिगार्डिंग देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी शो अगर हिट होता है, सक्सेस होता है, तो उसके पीछे एक या दो फैक्टर नहीं होता है, इसका टोटल पैकेज आई विच है। वी हैव अ ग्रेट टीम, हमारी जो टीम है, एक्टर्स की टीम है, हमारे डायरेक्टर की टीम है, हमारे प्रोड्यूसर की टीम है, हमारे राइटर की टीम है, वी हैव अ ग्रेट टीम एंड वी वर्क इन टैंडम, हम लोग एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तो वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। वो ऐसा नहीं कि ये अलग बात बोल रहे हैं, मैं अलग बात बोल रहा हूँ। वेन वी डिस्कस अ सीन, वेन वी डू अ सीन टुगेदर, वी कनेक्ट विद ईच अदर। ये आपको बेहतर बताएंगे बिकॉज इन्होंने भी स्टेज किया है, और कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसमें कन्फ्यूजन हो गया आपका, तो इट विल नेवर वर्क। देयर हैज़ टू बी नो कन्फ्यूजन, इट हैज़ टू बी क्लियर, एवरीथिंग हैज़ टू बी क्लियर कि आप जिस पेज पे, उस पेज पे मैं भी हूँ। दैट्स द फन। देखिए कॉमेडी में एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, अब आप लोग हंसेगा जरूर, प्लीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे हंसाने की, तो हम बड़े निराश हो जाएंगे। हाँ हाँ, भाभी जी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, और भाभी जी की टीम की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। फर्स्टली अनु और शशि को बहुत बहुत मुबारक कहना चाहती हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब मैं यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहती हूँ, लंदन में रहती हूँ, सिर्फ शूटिंग के लिए वापस आती हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ 18th ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी आई हूँ। एंड थैंक यू अनु एंड शशि, हर साल मुझे याद करते हैं, ITA अवार्ड की विनर भी रह चुकी हूँ, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली। और ITA जब स्टार्ट हुआ था मैं तब से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड लाइक ए सेट कोइंसिडेंटली मेरी शूटिंग भी यहाँ हो रही है हिंदुस्तान में फिलहाल, सो आई एम जस्ट सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल द वे मीरा रोड से आ रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारी मेमोरीज हैं, मैंने ITA के लिए परफॉर्म भी किया है, ITA का अवार्ड भी मिला है। अनु और शशि व्हेन दे बिगैन देयर जर्नी, और जब ये ITA फॉर्म कर रहे थे तब भी मैं उनके साथ जुड़ी थी, क्योंकि मेरा 2000 में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था घर वाले ऊपर वाले के सेट्स पर, मानसी जोशी रॉय और मुकुल देव के साथ। तो मुझे शशि और अनु ने बहुत साथ दिया, ITA ने बहुत साथ दिया टू गेट मी माई जस्टिस, टू गेट माई वॉइस अक्रॉस टू पीपल, तो मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी, बिकॉज आई फील फॉर ITA फिलहाल आज के दौर में इज़ दी ओनली ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट अवार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को मैं तहे दिल से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मैंने इस साल सीखा है, आपकी खुशी सिर्फ आप पर निर्भर है, तो प्लीज़ कोशिश करके किसी के कहने पर गुस्सा मत होइए, किसी के बुरे बातों पर गुस्सा बुरा मत मानिए, अपनी खुशी अपने आप पर डिपेंड कीजिए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे हैप्पी बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
नमस्कार। थोड़ा सा आगे, थोड़ा थोड़ा, हाँ प्लीज प्लीज। अब आईटा अवार्ड नौजवान हो गया है, टीन को पार कर गया है, मतलब टीन हो गया है, जवानी में आ गया है, तो मेरी शुभकामनाएं। और ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ आईटा अवार्ड के लिए, और एक्साइटेड हूँ कि मेरा नॉमिनेशन भी है बेस्ट नेगेटिव रोल में। एक्साइटेड हूँ कि शायद ये अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है, और एक्साइटेड हूँ अपने शो तेनाली रामा को लेकर के, जिसके आज शायद 3 या 4 नॉमिनेशन हैं। सो